हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति। कीर्ति रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से बनी एक रेसिपी देखेंगे, जिसे आप नाश्ते में या बच्चों के स्कूल के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास समय बहुत कम है और आप जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे हमने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी दही, दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, 5 से 6 लहसुन की कलियां और जीरा, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच अजवाइन, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक स्वादानुसार। हम रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर हम एक बड़ी कटोरी, मैंने यहाँ पे आटा लिया है गेहूं का, ये हम इसमें इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही हमें दही भी ऐड कर देना है, आधी कटोरी। अच्छे से मिक्स कर लेना है, नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। दही और नमक के साथ अच्छे से आटे को मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते हैं। ध्यान रखना है कि इसके अंदर लम्स ना बने। अच्छे से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। थोड़ा थोड़ा आप पानी ऐड करेंगे तो गुठलियां बिल्कुल भी नहीं बनेगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरह पेस्ट बना लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं लहसुन और जीरे की पेस्ट। लगभग 1 चम्मच जैसे है। अजवाइन है 1/2 टीस्पून, अजवाइन को मैंने हाथ पे लिया है, थोड़ा सा इसे हाथों पे मसल के, ताकि इसकी टेस्ट और बढ़ सके। और हम डाल देंगे और इसके साथ भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। चलो चेक कर लेते हैं आटे को, 15 मिनट हो गए। फिर से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे में दही डाला है, इसके लिए इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं प्याज बारीक कटे हुए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे और समय भी कम हो, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत ही कम समय में बनने वाली है और बहुत ही हेल्दी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, मगर हल्दी पाउडर डालने से कलर भी
कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मिक्स कर लेते हैं। चलो अभी से बनाते हैं। तवे पे हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। ऐसे से स्प्रेड कर लेना है। दो मिनट हम इसे अच्छे से ढक लेते हैं। इसे आप आटे का चिल्ला भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही और टेस्टी बनते हैं। बच्चों के टिफिन में भी आप बना सकते हैं। झटपट और आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे पलटी कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल साइड में भी छोड़ देते हैं। दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है। देख सकते हैं हमारा चिल्ला अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। दोनों साइड से मैंने अच्छे से सेक लिया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छा और बढ़िया बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। मैं आपको और एक बार बना के बताती हूँ। देख सकते हैं आप दूसरा भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए सारे चिल्ले बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। देखिए इस तरह राउंड करके आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह से मिलते रहेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।